साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना नाम स्टाइल में कैसे लिखें। तो बहुत ही आसानी के साथ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। सबसे पहले तो हम इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में चल के वर्ड आर्ट लेते हैं। वर्ड आर्ट में यहाँ पे हम ये वर्ड आर्ट ले लेते हैं, फिल रेड एंड एशियन वाला। तो अब हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। नाम लिखने के बाद इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो नाम को अपने हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया। अगर और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, नाम को और बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले इस बॉक्स को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब आप नाम को यहां से बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए नाम यहां से एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लें ताकि ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट इस पे आ पाए। अब हम इस पेज को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद इस फॉन्ट साइज को हम 70 करते हैं, तो 70 पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद अगला काम हम क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है, इस बॉक्स का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, आप चले आइए फॉर्मेट में, सेव फिल में, कौन सा कलर, आप ग्रेडियंट फिल पे आइए और यहाँ पे मोर ग्रेडियंट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। दो कलर, तीन कलर, यहाँ पे आप जैसा मर्जी वैसा कलर दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस पे हम देते हैं टू कलर ग्रेडियंट फिल। यहां से बना बनाया फिल ले लेते हैं जैसी मर्जी। तो मान लीजिए कि हमने ये फिल ले लिया। फिल लेने के बाद ये फिल दिखाई कैसे दे, ये हम यहां से डिसाइड करते हैं। इस पे आ जाएंगे, रेडियल हो ऐसे दिखे, या रिक्टेंगुलर है ऐसे दिखे, और यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग रेडियल कर लेते हैं। रेडियल करने के बाद रेडियल स्टाइल को सेट कर लेते हैं कैसी हो। फिर उसके बाद यहाँ से हम कलर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो आप कलर को देख लीजिए कैसा आप कलर चाहते हैं, वैसा आप कलर यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, और इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेट करने के बाद हम ओके कर देते हैं। फिर यहां से आउटलाइन कलर में चल के हम इसके आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन। तो अब ये आउटलाइन नहीं दिखाई पड़ेगा। अब हम इसके बाद इसको 3D शेप में देते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम यहां से इसको एक अलग लुक दे लेते हैं ऐसा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा हम इस वक्त फॉर्मेट में ही है, फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे शेप इफेक्ट है। तो हम शेप इफेक्ट पे आ गए और यहां से इसको हम 3D कर लेते हैं। तो 3D कैसा चाहते हैं, यहां से आप 3D स्टाइल देख लीजिए अलग अलग। ये स्टाइल अगर ये सही लग रही है आपको तो आप इसी स्टाइल को ले लीजिए। इसको घुमाना चाहते हैं तो आप घुमा भी सकते हैं। ये जो बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करके इसको आप जिस एंगल पे चाहें उस एंगल पे आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। तो ये इमेज आपकी उस एंगल पर रोटेट हो जाएगी। तो ऐसे सेट हो गए। सेट होने के बाद अगला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाना टेक्स्ट इफेक्ट पे। ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है, ये जो ए लिखा हुआ है अकेले यही दिखाई पड़ता है, पूरा कंटेंट आपका नहीं दिखाई पड़ता। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, यहां से आप ऐसा ए दिखे तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे। आपने टेक्स्ट को कैसा करना चाहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसा करना चाहते हैं वैसा आप सेट कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं चाहिए तो हम 3D ले लेते हैं, और इसका 3D कैसा चाहते हैं। तो ऑलरेडी हम इस 3D में हैं, तो यहां से वो 3D आपके इस पेज पर अप्लाई हो जाएगी टेक्स्ट पर। तो हमें क्या करना है, हम इसके 3D को नहीं अप्लाई करते हैं, यही रहने देते हैं। अब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट के कलर में हम अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं या कोई और डिजाइन या कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं। तो फिल टेक्स्ट फिल, ध्यान दीजिए फॉर्मेट टैब पर ही है, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट फिल पे आ जाइए। यहाँ पे ग्रेडियंट फिल मिल जाएगा, ग्रेडियंट पे जाइएगा, मोर ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम मोर ग्रेडियंट पर जाएंगे तो यहां से आपके सामने ग्रेडियंट आ जाएगा। अब आप कौन से कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इस कलर का ग्रेडियंट, येलो ग्रेडियंट, तो ये कैसा चाहते हैं, लाइनर चाहते हैं या कौन से कलर में चाहते हैं, वो कलर यहाँ पे सेट कर लें। यहाँ पे हमने कलर सेट कर लिया। कलर सेट करने के बाद अब फिर उसके बाद यहाँ पे अगला स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे उस स्टाइल में आप इसको एडजस्ट करें।
यहां से हम कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। दूसरा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप जो डायरेक्शन है आपके कलर का वो कैसा हो। तो जैसे इस एरिया पर ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर अगर ग्रीन दिख रहा है तो ये डिफरेंट कलर होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा ये कलर को अप्लाई करें तो ग्रीन यहाँ पे होगा, तो ये डिफरेंट आपको लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा कलर, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एक नया कलर ऐड करना, एक नई बटन ऐड करनी होगी। क्या करना, सिंपल सा काम, आपको वन टाइम क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कलर को सेट कर लिया। अब कलर को सेट करके आप जैसे ही ओके करते हैं या क्लोज करते हैं तो आपकी इमेज, आपका टेक्स्ट जो है उसी फॉर्मेट में दिखेगा, उसी कलर में दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें और लुक देते हैं। कैसे, जब आप ग्रेडियंट पे जाते हैं तो ग्रेडियंट पे जाने के बाद मोर ग्रेडियंट जब आप करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन मिल जाएगा, टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएगा, शैडो। तो यहाँ से हम शैडो को सेलेक्ट करते हैं, कौन सा शैडो हम चाहते हैं वो शैडो आप ले लें। शैडो का कलर आप कौन सा चाहते हैं, मान लीजिए शैडो का कलर हम थोड़ा डिफरेंट व्हाइट चाहते हैं, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए और साइज इसकी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। जैसी आप साइज चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी की, इसकी क्या नाम है, शैडो की, शैडो की जितनी आप चाहते हैं साइज, वो साइज को आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। साइज एडजस्ट करने के बाद जैसे हमने साइज को यहाँ से इतना किया कि इस टेक्स्ट पर दिखाई अकेले पड़े बस, तो यहां से ये ब्लर हो, ब्लर कैसा करें तो वो ब्लर आप यहां से सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ब्लर कितना करना चाहते हैं। फिर कौन सा एंगल देना चाहते हैं वो एंगल आप यहां से डिसाइड कर लें। फिर ये सब सेट करने के बाद डिस्टेंस को आप सेट कर लें, इसके बीच दूरियां कितनी हो, वो सारी चीजें सेट करके फिर रिफ्लेक्शन पे आ जाइए। यहां से आप रिफ्लेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, आप कौन सा रिफ्लेक्शन चाहते हैं। तो जब आप रिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे तो वो रिफ्लेक्शन आपके टेक्स्ट के नीचे दिखाई देगा, ये जरूर ध्यान देना है आपको। तो यहां से अगर आप रिफ्लेक्शन नहीं चाहते तो आप नो कर दें, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर आप ग्लो लगाना चाहते हैं, कोई ग्लो चाहते हैं, तो यहां से आप उस ग्लो को सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी ग्लो आप सेट करते हैं, और यहां से ग्लो के लिए कलर आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद फिर आप साइज और ट्रांसपेरेंसी को जितना चाहें और जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर 3D फॉर्मेट है और 3D रोटेशन है। तो 3D फॉर्मेट क्या करेगा, आपके उस कंटेंट को 3D शेप में परिवर्तित कर देगा। अब आप जैसे इसको क्लोज करते हैं, यहां से भी आप अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो आप देखें आपका टेक्स्ट कुछ इस फॉर्मेट में बनकर बहुत आसानी के साथ तैयार हो चुका है। और ये फॉर्मेट अगर मान लीजिए कोई और दूसरा फॉर्मेट या कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, चलिए मैं एक और नाम लिख के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम एक बार लास्ट में आते हैं यहाँ पे नए पेज पे, पेज के नई लाइन पे। तो अब यहाँ पे हम फिर से अपना नाम, अपना ही नाम लिखते हैं, जिससे आपको थोड़ा और भी, यहां से हमने क्या क्या किया, ये वाला या ये सिल्वर कलर ले लिया और यहां पे हमने अपना नाम लिख दीजिए लिख दिया। तो जैसे ही हमने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद अब इसकी साइज को हम यहां से इंक्रीज कर लेते हैं। ये आपने समझ लिया होगा इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है, घटाया और बढ़ाया कैसे जाता है। सेट करने के बाद ये इसको थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो ये 70 पे हो जाएगा, 70, और इसकी साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दें और इसमें फिर हम कलर को अप्लाई करते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या ये वाकई एडजस्ट हो पाता है हमारे पेज में। 70 से कम होगा तभी हो पाएगा। तो यहां से हमने इस टेक्स्ट को सेट कर दिया, अब यहाँ पे कर देते 68, तो ये टेक्स्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला तो फॉर्मेट में जाके जैसा अभी आपने देखा था यहां से हमने शेप बदल दिया। शेप बदलने के बाद फिर अगला काम हमें क्या होगा, शेप फिल को यूज करना होगा। कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिए, इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद यहां से आप शेप को चेंज कर लीजिए, कौन सा शेप चाहते हैं
ये शेप चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, या और कोई शेप चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे शेप को भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टी कलर को भी आप ऐड कर सकते हैं। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं, 3D इफेक्ट। यहाँ से हमने 3D इफेक्ट लगा दिया, आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब उसके बाद आप जो भी कलर या जो चीजें अप्लाई करनी है उसको मैंने आपको पूरी तरह से समझाया है। अगर वो पूरा समझ में आ गया हो और आप ऐसे टेक्स्ट को लिख पा रहे हो और आपने ये वीडियो देख के कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के।